हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं सेमिया, जिनको वर्मीसेली भी बोलते हैं और हम बोलते हैं लोकल में सेमिया। तो उसके लिए जो है मैंने देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है और ये है पैकेट सेमिया का। तो चलिए किस तरह से जो है मैं सेमिया बनाती हूँ। अब जो है मेरी सेमिया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब ऐड करूँगी मैं इसके अंदर दूध, जो कि मैंने पहले ही बॉइल करके रख दिया था। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और ऐड करूँगी मैं इसमें अब मिल्क। जो है थोड़ा देर में पकने दूंगी, जब तक ये अच्छे से मेरी पकना जाए तब तक मैं इसको जो है बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहूंगी और काटते रहूंगी। तो इलायची डाल दूंगी मैं इसमें, और साथ में जो है चीनी भी ऐड कर लूंगी। ये ऐड करके मैंने इसके अंदर चीनी, और अब मैं इसको पकने दूंगी। तो अब ऐड करूंगी मैं इसमें बादाम। बादाम मिल गए थे, थोड़े से बचे हुए थे, मैंने सोचा नहीं तो बच्चों ने खा लिए होंगे, लेकिन मिल गए। तो अब हमारी सेमिया जो है अच्छे से पक चुकी है और अब करूंगी मैं इसकी प्लेटिंग। तो जी ये हो रही है प्लेटिंग, देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आइए सेमिया खाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है छांब की हुई थी, तो यहाँ पर जो है ये गंदा घास निकला हुआ था, तो इसको हमने निकाल दिया है और अच्छा अच्छा घास जो है पशुओं के लिए निकाल दिया। एक भाड़ा जो है मोहित पहले ले गया है और दो मेरी पड़ोस की औरतें आई थी उनको दे दिया, क्योंकि अगर इसका बीज बन जाता तो अगली बार ये घास जो है बहुत ही ज़्यादा निकल जाता। तो इस कारण हमने इसको कुछ को जो है उखाड़ के फेंक दिया और कुछ को काट के नीचे फेंक दिया और कुछ को जो है घर में पशुओं को खिलाने के लिए भाड़े में बांध दिया है। और आसपास का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह का है ये सारा खरपतवार जो पैदा हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे जब तक कि हमारा घास ऐसा अच्छा ना निकले, तब तक इसको हम जो है काटते रहेंगे। जब इसका बीज जो है ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसमें अच्छा घास निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे ऊपर वाले खेतों की जो है मक्की है, इन तीन खेतों में हमने खाद नहीं डाली थी, तो खाद जो है हमारी पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी पिछले कल ही इनमें खाद डाली हुई थी, क्योंकि हमने जो है एक बोरी और मंगाई थी तो फिर इनमें खाद लगा ली। नीचे वाले खेतों में जो है मक्की बिल्कुल गाढ़ी हरी हो चुकी है, क्योंकि इनमें खाद लग चुकी है। तो ऊपर वाले खेतों की थोड़ी जो है कम हरी है, थोड़ी पीले में आ गई है इसका कलर, तो इस कारण इसको खाद नहीं दी थी, तो खाद की वजह से ये ऐसी पड़ गई है। अब इसमें जो है दो चार दिन के बाद नीचे वाले की तरह कलर आ जाएगा। और आसपास का व्यू देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है, और मौसम जो है बिल्कुल ही बादलों से रहित हो गया है, और पूरे जो हमारे धाराएं हैं उनमें धुंध धुंध पड़ी हुई है।
और सावन के महीने में पूरे महीने में इसी तरह का मौसम रहता है, और कभी कभार जो है अच्छी धूप खिलती है, बाकी मौसम में इसी तरह का ही रहता है। और मोहित आया है भाड़ा लेने, इसको जो है मच्छर बहुत खा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम घर को, तो मिलते हैं फिर घर में।